आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर उन्नाव से, कलेक्टर उन्नाव में तैनात बाबू की लापरवाही से नहीं मिल पा रहा अनाथ हुए बच्चों को उनका हक। बच्चों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, संबंधित बाबू पर कार्रवाई की मुख्यमंत्री से की है मांग। कलेक्ट्रेट उन्नाव में तैनात बाबू अरुण पांडे पर लगाए आरोप। बच्चों ने बताया कि उनका भविष्य खतरे में, नहीं जा पाते स्कूल, दो वक्त की रोटी का भी संकट। बच्चों का पिता बीगापुर में था सरकारी कर्मचारी, मासूमों के पिता और माता की हो चुकी है मौत। बच्चों ने न्याय पाने के लिए सीएम से वीडियो वायरल कर लगाई है न्याय की गुहार। अब देखना होगा कि अनाथ हुए बच्चों की आवाज़ मुख्यमंत्री क्योंकि आदित्यनाथ के कानों में जाती है। मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधिकारी जनपद उन्नाव को कार्रवाई करने के क्या आदेश देते हैं? पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या न्याय मिलेगा? अब अनाथ बच्चों का कौन बनेगा सहारा? हम दिखाते हैं सच, से कराते हैं रूबरू। लाइव टीवी समाचार आज। लाइव टीवी समाचार जनपद उन्नाव से नफीस खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम विराट मिश्रा, ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम परिंद्रा। हम लोग उन्नाव बीगापुर में रहते हैं और मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, उनकी मृत्यु के बाद हमारे पास उनकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही है। हमारी पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही है और हम लोग कोई खर्चा भी नहीं चल रहा है। हमारी मुख्यमंत्री योगी जी से ये निवेदन है कि जिस बाबू ने हमारी पेंशन रोक के रखी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू हो सके।